हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे बिना गुड़ चीनी के मावे की टेस्ट वाली गुजिया, वो भी बिना मावे के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही हैं। और होली हो या दिवाली, आप कभी भी इसे बना सकते हैं। और हम सबसे पहले गुजिया के लिए डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बाउल मैदा लिया है और आधा कप मिल्क लिया है। मिल्क मैंने थोड़ा गुनगुना लिया है। तो हम एक बाउल में इस तरह से मैदा ऐड करेंगे और इसमें हम मोइन के लिए 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मोइन परफेक्ट होना चाहिए जिससे हमारी गुजिया बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यदि आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स करने के बाद चेक करेंगे तो इस तरह का ये बन जाएगा। तो समझ लीजिए हमारा यहाँ पर मोइन परफेक्ट है और जो हमने मिल्क लिया है वो थोड़ा सा गुनगुना लिया है। तो थोड़ा सा हम ऐड करते जाएंगे और परफेक्ट डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ही मिल्क ऐड करेंगे और एक सख्त डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो इससे बहुत ही बढ़िया हमारे गुजिया बनेंगी। और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पेठे का इस्तेमाल किया है। तो पेठा अपने आप में ही एक मिठाई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम पेठा लिया है। तो इसे हम काट कर और मिक्सर में पीस लेंगे और इससे गुजिया बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर हमने 2 से 3 इलायची ली थी वो भी डाल देंगे और यहाँ पर जो मिल्क पाउडर लिया था वो भी ऐड कर देंगे। 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है और कुछ धागे केसर के लिए थे तो वो हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केसर डालने से कलर कितना बढ़िया आया है। तो ये ऑप्शनल है, यदि आप केसर डालना नहीं चाहते तो आप ऐसे ही पीस लें। और यहाँ पर हमारा गुजिया के लिए भरवाइन बनाना था वो तैयार है। और यहाँ पर कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे वो भी ऐड कर देंगे और हमने 2 चम्मच नारियल पाउडर लिया था तो वो भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और काजू कट करके डाल दिए थे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया लगता है और ये मावे की जैसे टेस्ट वाले गुजिया इससे बनते हैं। और यहाँ पर हमारा डो भी परफेक्ट बनके तैयार है। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी तैयार है। अब हम इनसे गुजिया तैयार करेंगे। तो हम इस तरह से थोड़ी सी एक लोई तोड़ेंगे और इसे पूरी के जैसे हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूखा मैदा ऐड नहीं किया है, ऐसे ही बिल जाता है बहुत ही बढ़िया। तो आप इन्हें बेल कर रख सकते हैं ढककर और एक के बाद एक बेलते हुए भी इन्हें बना सकते हैं। तो हम एक पूरी बेलेंगे और एक गुजिया तैयार करेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेंगी और हमें इन्हें ढककर रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के सांचे लिए हैं तो आप कोई से भी सांचे से बना सकते हैं और इन्हें आप हाथ से भी बना सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस तरह से हम पूरी सांचे पर रखेंगे और जो हमारी स्टफिंग है वो हम 1 से 1.5 चम्मच जितनी भी गुजिया में आएगी हम भर लेंगे और हमें इसे ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरह से साइड्स में पानी लगा लेंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए और इस तरह से हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हमारी गुजिया बन के तैयार होगी और इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। तो कितनी बढ़िया हमारी गुजिया बनी है। तो अब एक और इसी तरह से हम बना लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है, इस पर हम यहाँ पर एक कपड़ा लिया था तो इससे ढककर रख देंगे जिससे कि हमारी गुजिया है वो बहुत ही बढ़िया रहेंगी और इनमें यदि ढकेंगे नहीं तो पपड़ी पपड़ी सी हो जाएगी और वो तलते टाइम टूट जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक और लोई बनाएंगे और इसके बाद हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं, मीडियम ही बेलना है। जैसे कि हम पूरियां बनाते हैं उसी तरह की हम इन्हें बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा मोटा इसे नहीं बेला है।
तो इसे हम सांचे पर रखेंगे और जो हमने स्टफिंग थी वो भर देंगे। और इसके बाद थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे, इससे गुजिया बढ़िया से चिपक जाती है और तलते टाइम टूटती नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही बढ़िया ये बन रही हैं। इसके बाद अब हम हाथ से गुजिया बनाएंगे, तो इसे भी इस तरह से हम बेल देंगे। आप मावे से भी गुजिया बना सकते हैं, पर मावा कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है और जो त्योहारों के टाइम मिलता है तो वो मिक्स वाला मिलता है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और मिल्क पाउडर से मावा कैसे बनाएं वो हमने अपने चैनल पर वीडियो शेयर किया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरह से हमने मावा बनाया है, तो दो तरह से हमने वीडियो शेयर किया है। तो इस तरह से हमने पूरी बेल ली है और इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भरेंगे और इसे इस तरह से उठाते हुए इसे तैयार करेंगे और इसे हम हाथ से बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे और इसे अच्छे से इस तरह से दबाते हुए सेट करेंगे। तो ये भी बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया ये बन जाती है। तो इसे हम अच्छे से इस तरह से दबाते हुए चिपका देंगे ताकि ये फ्राई करते टाइम फटे ना। तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले थोड़ा सा हम कॉर्नर में इसे दबा देंगे, थोड़ा सा फिर इस तरह से उठाते हुए, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये बनती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे और ये बहुत ही बढ़िया बन जाती है। तो बहुत ही आसान है, इसे 1 से 2 बार आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया ये बन जाएगी। तो आप इसकी साइड्स को पतला मोटा अपने अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतले पतले साइज में फोल्ड किया है और ये फ्राई होने के बाद बहुत ही बढ़िया देखने में लगती हैं। तो दोनों ही तरह से आप गुजिया बना सकते हैं। और वैसे भी मार्केट में सांचे गुजिए के आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो सारे ही गुजिया यहाँ पर बनके तैयार हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते टाइम हमें विशेष ध्यान रखना है, तभी हमारी गुजिया बहुत ही बढ़िया बनेंगी। तो यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म कर ली है और जो हमने ऑयल लिया था वो मीडियम गर्म करना है, हमें ज़्यादा गर्म यहाँ पर ऑयल नहीं करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा डाला था और चेक कर लिया था, तो ये परफेक्ट हमारी कढ़ाई यहाँ पर गर्म है। और इसके बाद ऑयल गर्म होने के बाद जब हम गुजिया फ्राई करेंगे तो गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे लगभग 1 मिनट तक, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और हमारी एकदम खस्ता और बहुत ही बढ़िया हमारी गुजिया बन के तैयार होंगे। यदि आप गैस को तेज कर लेंगे और गुजिया जल्दी से फ्राई कर लेंगे तो फिर वो सॉफ्ट सी और कच्ची कच्ची सी गुजिया बनेंगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी गुजिया फ्राई हुई हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो इसी तरह से हम सारी ही गुजिया फ्राई कर लेंगे और हमें गैस को यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। तो इस तरह से हम पलट देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। गुजिया को हमें ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगी और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, तो हमें मीडियम ही फ्राई करना है। और यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल देंगे और जो हमने हाथ से गुजिया बनाई थी वो भी फ्राई कर लेंगे, तो उसे भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यदि आपके पास गुजिया वाला सांचा नहीं तो आप हाथ से बना सकते हैं और जो फॉग रहता है उससे भी आप बना सकते हैं। तो इसे भी हम पलट पलट कर सेक लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने हाथ से गुजिया बनाई थी वो भी देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। वैसे तो पेठा गुजिया सभी बनाते हैं,
पर इस तरह नहीं बनाई होगी और यहाँ पर हमने इसे ग्रेट नहीं किया है, मिक्सी में पीस दिया है और इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड किया है और नारियल भी ऐड किया है, तो इससे हमारी गुजिया में बहुत ही बढ़िया एकदम मावे की तरह टेस्ट आता है। और सारी ही गुजिया हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसे हम मीडियम गैस पर ही फ्राई कर रहे हैं और सारी गुजिया यहाँ पर बनके तैयार हैं, तो एकदम खस्ता और टेस्टी हमारी गुजिया बनी है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो यहाँ पर हम आपको पास से दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया ये देखने में लग रही हैं और एकदम मावे की टेस्ट वाली हमारी गुजिया यहाँ पर बनके तैयार हैं। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।